का गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आवारा के बाद 1953 में फिल्म आह में भी ये दोनों साथ नजर आए। कहते हैं इस फिल्म के बाद राज कपूर ने ये फैसला ले लिया था कि अब नरगिस किसी भी बाहर के डायरेक्टर की फिल्म में काम नहीं करेगी। इस फैसले से नरगिस के भाई और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ करीबी लोग बड़े नाराज हुए, लेकिन राज कपूर के प्यार में दीवानी नरगिस ने किसी की नहीं सुनी। इस अजीब से फैसले के बाद नरगिस न सिर्फ अपनी निजी जिंदगी में बल्कि अपने करियर में भी पूरी तरह राज कपूर पर निर्भर हो गईं। काम के नाम पर नरगिस के पास अब सिर्फ फिल्म श्री 420 थी, जिसकी शूटिंग शुरू होने में भी वक्त था। कुछ समय पहले तक जहां इंडस्ट्री में नरगिस के नाम का डंका बजता था, वहीं नरगिस अब आर के स्टूडियो में बैठी इंतजार करती कि कब उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू हो। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक नरगिस के करीबी लोग भी ये कहने लगे थे कि अब राज कपूर की फिल्मों में हीरो का रोल ज्यादा बड़ा और अहम होने लगा है और हीरोइन सिर्फ नाचने गाने तक ही सीमित रह गई है। ₹1954 में राज कपूर और नरगिस साथ में सोवियत संघ गए। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। द कपूर्स की लेखिका मधु जैन को दिए गए एक बयान में अभिनेता देव आनंद ने उस दौर को याद करते हुए कहा, मैं राज कपूर को ज्यादा अच्छी तरह तब जान पाया जब हम लोग 6 हफ्तों के लिए सोवियत संघ में रहे थे। वो 1954 का पहला शिष्टमंडल था। हम साथ साथ पार्टियों में गए, हमने साथ खाया पिया। राज कपूर और नरगिस एक ही कमरे में ठहरे थे। जहां कहीं भी हम गए, लोग पियानो पर आवारा हूं बजाते। कई बार राज कपूर जरूरत से ज्यादा पी लेते और उन्हें बिस्तर से खींच कर निकालना पड़ता। हम सब उनका इंतजार करते रहते और फिर दौड़ भाग करके नरगिस उन्हें तैयार करती। सोवियत संघ में राज कपूर की तो जमकर आव भगत हुई, लेकिन उनके साथ गई नरगिस को झटका लगा क्योंकि उनका स्वागत वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक नरगिस के भाई उन्हें ये मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि राज कपूर उन्हें छोटे किरदार दे रहे हैं, जबकि वो खुद सबकी नजरों में चढ़ रहे हैं। लेकिन जब नरगिस का मॉस्को जाना हुआ तो उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि वो ठीक कह रहे हैं। वहां वाकई उनके बारे में किसी ने पूछा तक नहीं। असल में कई लोगों ने ये सोचा कि वो राज कपूर की पत्नी यानी मिसेस कपूर हैं। उनके स्वाभिमान को काफी ठेस पहुंची और ये एक अंत की शुरुआत साबित हुई। अपने भविष्य को लेकर अब नरगिस को बेहद डर सताने लगा था। वो राज कपूर के साथ अपने रिश्ते को नाम देना चाहती थी। उन्होंने सिमी ग्रेवाल से कहा, मैं किसी और के बच्चों को अपना बच्चा मानते मानते थक चुकी हूँ। मुझे अपना घर चाहिए। मैं अपनी गोद में अपना बच्चा खिलाना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है, आपको क्या मालूम? इस बारे में सोचकर नरगिस बदहवास रहने लगी और फिर इसी उलझन का हल ढूंढने के लिए नरगिस उस वक्त के बॉम्बे के मुख्यमंत्री रहे मुरारजी देसाई के पास पहुंच गई। वही मुरारजी देसाई जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। कहते हैं उस समय मुरारजी देसाई हिंदू मैरिज एक्ट पर काम कर रहे थे। नरगिस ने उनसे मिलकर ये सलाह मांगी कि क्या कोई तरीका है जिसके जरिए पहले से शादीशुदा शख्स दोबारा शादी कर सके। तुमने तो कानून पढ़ा है। कहा जाता है कि मुरारजी देसाई ने नरगिस को डांटा कि वो ऐसा सोचे भी नहीं। लेकिन जैसा मेरे दिल में कानून नहीं पड़ा। कुल मिलाकर इस मीटिंग से नरगिस की परेशानी का कोई हल नहीं निकला। नरगिस बेहद बेचैन रहने लगी थी। वो राज कपूर के साथ घर बसाने के सपने देख चुकी थी। राज कपूर ये कहते रहे कि वो नरगिस से शादी जरूर करेंगे, लेकिन 9 साल के लंबे रिश्ते के बाद धीरे धीरे
नरगिस को शायद ये एहसास हो गया था कि राज कपूर अपनी पत्नी कृष्णा को कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर 1955 में रिलीज हुई राज कपूर और नरगिस के अगली फिल्म के बाद इनके रिश्ते में आती दरारें सबको नजर आने लगी। फिल्म का नाम था श्री 420। साल 1955, फिल्म श्री 420 रिलीज हुई और राज कपूर नरगिस की सबसे कामयाब फिल्म बन गई। खास तौर पर इन दोनों पर फिल्माया गया ये गीत। किश्वर देसाई की किताब डार्लिंग जी के मुताबिक इस फिल्म में एक बिना ग्लैमर वाली मजबूर लड़की के रोल से नरगिस काफी नाराज रही। साथ ही फिल्म में उनका रोल भी ज्यादा बड़ा नहीं था। नरगिस को अब ये महसूस होने लगा था कि बाहर की फिल्में साइन न करके उन्होंने अपना करियर दांव पर लगा दिया और राज के साथ निजी जिंदगी में भी उनका रिश्ता किसी अंजाम तक पहुंचता नजर नहीं आ रहा था। वो समझ चुकी थी कि अब फैसले का वक्त आ चुका है। दुनिया में तुम भाग चुके हो राज, वहां हर चीज बेची और खरीदी जाती है, मगर मैं बिकाऊ नहीं, समझे? मैं बिकाऊ नहीं हूं। इसके बाद नरगिस अपने बड़े भाई अख्तर हुसैन के पास पहुंची और उनसे कहा, भैया मुझे काम दिलवाइए। भाई की कोशिशों से आखिरकार नरगिस को कुछ फिल्में मिल गईं और इन फिल्मों को साइन करने से पहले उन्होंने राज कपूर से पूछा तक नहीं, जैसा कि वो अब तक पूछती आई थी। राज कपूर को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत झटका लगा, लेकिन नरगिस जैसे नींद से जाग उठी थी। मुझे मालूम न था कि मेरी मोहब्बत को तौलों की तरह भी तोला जाएगा। ये बात नहीं है, जवाब क्यों नहीं? मुझे तुमसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें खुश करने के लिए मेरे पास मोटरें और बंगले तो नहीं, मगर एक मोहब्बत भरा दिल जरूर है। आखिरकार 1956 में रिलीज हुई आर के बैनर की फिल्म जागते रहो नरगिस और राज कपूर की जोड़ी की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में नरगिस सिर्फ फिल्म के आखिरी सीन में नजर आती हैं और पानी के लिए भटक रहे प्यासे राज कपूर को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाती हैं। नरगिस राज कपूर को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी और इन्हीं कोशिशों के दौरान उनके सामने आया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और यादगार रोल, वो फिल्म जिसका नाम था मदर इंडिया। वो फिल्म जिसकी शूटिंग के दौरान नरगिस का करियर और जिंदगी दोनों बदलने वाले थे। राज कपूर ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि नरगिस उनको छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी। उन्होंने मशहूर लेखक राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी फागुन को खरीद लिया। वे इस फिल्म को नरगिस के साथ बनाना चाहते थे। इस फिल्म में नरगिस को एक बूढ़ी औरत का किरदार निभाना था, मगर नरगिस ने इस किरदार को निभाने से साफ इनकार कर दिया। उनका ये इनकार सुनकर राज कपूर सन रह गए। सन 1980 में पत्रकार सुरेश कोहली को दिए गए एक इंटरव्यू में राज कपूर ने इस घटना को याद करते हुए कहा, उसने मुझे दोबारा धोखा दिया। जो स्क्रिप्ट मैं राजेंद्र सिंह बेदी से लेकर आया था, उसमें बूढ़ी औरत का किरदार निभाने के बारे में उसने कहा यह मेरी इमेज को खराब कर देगा, और अगले दिन वो गई और मुझे बताए बगैर मदर इंडिया साइन कर ली। आप इसके लिए क्या कहेंगे सर? पत्रकार सुरेश कोहली के मुताबिक जिस समय राज कपूर ने उनसे ये बात कही, नरगिस को उनकी जिंदगी से गए तकरीबन 20 साल हो चुके थे, लेकिन वो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे ये कल की बात हो। 1974 में कोहली को दिए गए एक और इंटरव्यू में राज कपूर ने नरगिस पर और भी कई आरोप लगाए। वो चुपचाप कोल्हापुर चली गई जहां मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। जब मैंने ये बात उसके सामने रखी तो बोली कि मुझे पता नहीं था कि कहानी क्या है। वाह,
पिक्चर का नाम मदर इंडिया है और उसे पता नहीं था। राज कपूर यहीं नहीं रुके। इसी इंटरव्यू में किसी दिलजले आशिक की तरह वो एक जुड़ी हुई चिट्ठी निकाल लाए। ये चिट्ठी कई टुकड़ों को जोड़कर चिपकाई गई थी। ये चिट्ठी दिखाकर वो पत्रकार सुरेश कोहली से बोले, दुनिया कहती है मैंने नरगिस को नाउम्मीद किया, ये तो वो थी जिसने मुझे धोखा दिया। साहेब, इसने वो किया था। हमें एक पार्टी के लिए बाहर जाना था, हम लोगों को देर हो गई थी। मैं उसके पास गया तो उसके हाथ में एक कागज था। मैंने उससे पूछा कि वो क्या था। वो बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं। उसने चिट्ठी फाड़ दी और वापस चली गई। जब हम कार तक पहुंचे तो मैंने कहा रुमाल भूल गया हूं और वापस गया। नौकरानी ने तब तक सफाई करके टुकड़े कूड़ेदान में डाल दिए थे। मैंने वो रद्दी कागजों की टोकरी उठाई और अपनी अलमारी में रख दी। अगले दिन मैंने उन फटे टुकड़ों को एक साथ रखा, जोड़ा और देखा कि वो एक निर्माता की ओर से शादी का पैगाम था। उसने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, ये उसकी ओर से धोखेबाजी की पहली हरकत थी। मैंने इस वाक्य को हूबहू जैसा हुआ था फिल्म संगम में रखा।